हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये जो प्यारा सा व्यू आप देख रहे हो, ये इस होटल रिजॉर्ट के मॉर्निंग व्यू है। और अभी बस टाइम हो रहा है निकलने का, तो ये बहुत ही मन लुभाने वाला व्यू था। टाइम हो गया चेकआउट का। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं। इतने सारे बैग्स हैं जिनको कार के अंदर रखेंगे, और ट्रैकिंग का सिर्फ एक बैग जाएगा, ये वाला ऊपर, एक छोटा मेरा, बाकी चलते हैं। मेंटल हेल्थ ठीक करने आई थी, यहाँ पे आके पता चला साले फिजिकल हेल्थ भी कुछ खास नहीं है। हाँ, नॉट गुड। हाइकिंग कार्डियो बहुत अंतर है भैया, हाइकिंग और कार्डियो में बहुत फर्क है। तो होटल चेकआउट कर दिया, और ये है वेलकम टू करेरी लेक। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। टाइम हुआ है अभी 11। सो हमको निकलते निकलते थोड़ी सी लेट हो गई है, 11:30 बज गए, बट स्टार्ट करते हैं ट्रैक अपना। तो गाइस, नीचे बह रही है लेक, आप देख सकते हो, और आगे हम चल रहे हैं इस जंगल के अंदर। तो चलते हैं आगे। जय श्री राम। तो बहुत ही प्यारा सा ये रास्ता है, और साथ में जो ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, ये लेक के पानी की है। और ये पूरे रास्ते लेक हमारे साथ ऐसे ही चलेगी। और अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2-2.5 किलोमीटर आई थिंक ये जंगल वाला एरिया है, और बहुत ही टफ है आगे आगे ये और भी, और यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं मिलता है। सो गाइस, पहुंच चुके हैं हम झील कैफे, और देखो ये है झील कैफे यहाँ का। और हम 11 बजे के करीब निकले थे, 12:15, यानी 1.5 किलोमीटर चल लिए हैं अभी तक हम। और ये यहाँ का फर्स्ट अभी पॉइंट है जिसे कहते हैं झील कैफे। तो यहाँ वहाँ यहाँ बैठने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और 1.5 घंटे बहुत रास्ता तो गंदा सा था। हाँ जी, थाली चॉकलेट्स हैं और कार्डियो डांस फिटनेस वो सब कुछ अलग है, वर्कआउट अलग है, बट ये जो हाइकिंग है ना ये बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन वेदर बहुत अच्छा है। मोटी मोटी जैकेट्स ले ली थी जिनको बांधना पड़ा। और देखते हैं अभी क्या, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा लाइट स्नैक्स एंड कुछ लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। यू कैन सी द व्यू। सो गाइस, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के करीब आ गए, 2 किलो हो गया होगा है ना। और हालत आप लोग हमारी देख सकते हो, टफ है ट्रैक, नॉट इजी, हालत बुरी हो गई है। जैकेट्स तो सिर्फ ऊपर बैठकर ही काम आएंगी, वैसे नहीं काम आनी है। रास्ता बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी, एकदम पत्थरों पे, तो मैंने सेफ जोन की वजह से अपना फोन नहीं बाहर निकाला। पानी दे दो मुझे भी। तू नहीं डाला सर? पानी नहीं, वो पानी है ना, पानी दे दो, ले लो। हार्दिक कैसा लग रहा है? दूसरा भी आ गया, एक ही डॉगी डॉगी जी हमारे आगे पीछे घूम रहा है। सो यू कैन सी गाइस द वाइज, और वो देखो सामने जा रहा है झरना। झरने के साथ साथ ही हम लोग चल रहे हैं, वो देखो। सो आगे जो भी अच्छी चीज़ें आती हैं मैं कैप्चर करूंगी और आपको दिखाऊंगी, स्टे ट्यून। सो यहाँ अगेन हम लोग आकर रुके हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत ही सीधी घड़ी चढ़ाई थी जिस वजह से बहुत ज़्यादा वीडलेस हो गए थे, तो यहाँ बैठे हैं थोड़ी देर। तो अपने अपने फ़ोन से थोड़ा सा वीडियो शूट करना मुश्किल हो रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे की वीडियोस शूट कर रहे थे आगे पीछे जा जा कर। और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चढ़ाई थी जैसा मैंने बताया पहले भी, और सीधी चढ़ाई है, बस ये है कि आगे पीछे आप गिरोगे तो कहीं जाओगे नहीं, लुढ़क लुढ़क के नीचे ही आ जाओगे, हड्डी वड्डी टूट जाएगी। और सेकेंड थिंग, यहाँ पर किसी को आप कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल भी 0 नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क नहीं मिलता यहाँ पर BSNL के नेटवर्क के अलावा। हमारे दोनों सिम सारे फ़ोन डेड पड़े थे यहाँ पर। वो टॉप पे जाना है, ये
तो गाइस जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं, यू कैन सी द व्यू, द ब्यूटी। बादल देखो हमारे साथ साथ चल रहे हैं और पानी भी साथ साथ चल रहा है। वाओ, तो अभी हम पहुंच चुके हैं ये ब्रिज पर, ब्रिज क्रॉस कर रही हूँ मैं, और ये है यहाँ का हाफ पॉइंट। और 5 घंटों में हम यहाँ हाफ पॉइंट तक पहुँचे हैं, क्योंकि हमारा 1 घंटा तो एक अंकल खा गया था तो चाय और मैगी के चक्कर में। और अभी हम ये मिड पॉइंट पर पहुँचे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं वीडियो शूट और यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो वीडियोग्राफी हो रही है और टाइम कर रही हूँ मैं, यहाँ पर कैप्चर कर रही हूँ वीडियोस। माय गॉड, एंड यू कैन सी द व्यू। ओहो, मतलब बहुत थकावट होगी, फेस से ही पता चल रहा होगा। अभी हाफ मिड पॉइंट आया है, लेकिन जो व्यूज है ना, अल्टीमेट है, कुछ बोल ही नहीं सकते। मुंह से बोलने वाले नहीं है, ये देखने वाले हैं। वाइड एंगल में बनाता हूं। और ये देखो ऊपर। सो अभी ये हमारा है मिड पॉइंट और आगे हम लोग जा रहे हैं। तो अभी मिड पॉइंट तक आए हैं, टाइम हो गया है 3:10। हम निकले थे सुबह 11:15 बजे, 11:30 पर 11 बजे हमने ये स्टार्टिंग किया था। एंड चलो अब देखते हैं कब तक, कहाँ तक। सो बहुत खतरनाक सा ये रास्ता आया है, साथ में हमारे जीप बह रही है, पानी चल रहा है और ये पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा अब रास्ता कहाँ है। अब इन पत्थरों पर से ही बनाकर रास्ता, ये आप देख सकते हो, ऐसे ही उबड़ खाबड़ रास्ते से अब होकर हमने आगे करना जाना है। और ये बहुत टफ क्रॉस था, उसको क्रॉस कर चले आगे। माय गॉड, सोनू टेंपल जो सोनू की आत्मा की शांति के लिए यहाँ बनाया गया है, और आप रास्ता आगे देख सकते हैं, मतलब क्या ब्यूटी है, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी ऐसी। थैंक्स गॉड के हम लोग आ पाए, थैंक्स टू दिस नेचर कि जिस नेचर की वाइब्स ने हमको बुलाया। ऑलमोस्ट आज भी कैंसिल करने वाले थे, ऑलमोस्ट आज भी हमारा ना कैंसिल था, बट ठीक है आ गए तो हम। याद में भगवानों की आत्मा को शांति दे, वो स्नो लाइन के आगे चले गए थे, उनको थोड़ी सी लंग्स एंड सांस की प्रॉब्लम थी, तो जिस वजह से उनको वापस रेस्क्यू करके लाते लाते यहाँ दम तोड़ दिया था। तो भगवान आगे हमारी यात्रा बहुत ही मंगलमय करें। तो चलते हैं आगे। ओ माय गॉड, देख ये कितनी प्यारी लेक साथ साथ हमारे चल रही है, एंड हमारा ट्रैकिंग रास्ता, मेरी थकी हुई शक्ल, बैटरी भी ख़त्म हो गई और बस आगे कहीं चार्जिंग पॉइंट मिल जाए फिर आगे बनाते हैं। और सो आते आते पहुँचते पहुँचते हमें 6:30 बज गए हैं, और आप देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा सा उजाला है ऊपर की साइड, नीचे बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और बस यहाँ अपने पॉइंट पर पहुँच गए हैं, यहाँ पर खाना वगैरह खाएंगे, फिर हमारा टेंट लग गया उधर, और उधर टेंट पे जाएंगे अपने। बहुत अच्छा था।
मैक्लोडगंज वाली वाइब्स। तो गाइस आके बैठ गए हैं, टेंट भी जाना है लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा खाना वाना खाएंगे, चाय वाय पियेंगे, ठीक अच्छा रहा। और लेफ्टी भाई नेटवर्क तो आया नहीं यार यहाँ पे, नेटवर्क ना पीछे सर, उधर सिग्नल है, उधर एक ही पॉइंट पे है भाई। गाइस ये है फाइनली आ गए हूँ लेक के पास जो मेन पॉइंट है, और वहाँ नीचे से पत्थरों को क्रॉस करके आए हैं हम। बस मेरे फ़ोन में अब 1% बैटरी है, शायद ये यहीं पर डेड हो जाए। और ये है वो टेम्पल, टेम्पल के सामने ही है लेक। सो आगे का व्लॉग देखती हूँ कैसे शूट करती हूँ, रुक जा हार्दिक, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट आगे। सुबह 11:15 हो गए हैं और निकल गए हम वापस उतरने पर, आधा पौना घंटा हो गया हमें उतरे हुए। जैसे तैसे फ़ोन जुगाड़ लगा के चार्ज किया है और चलते हैं आगे। गाइस यू कैन सी द कलर कॉम्प्लेक्शन, धूप की वजह से टैन हो गई है एंड क्या व्यू सर, इस टाइम ना रील बनाने वाला था आते हुए, जाते हुए तो सनलाइट कैसा लग रहा है गाइस? गाइस फीलिंग ऑसम, फीलिंग ऑसम लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और उससे ज्यादा आप देख सकते हो क्या ब्यूटी है, क्या वादियां हैं। तो जो लोग कहते हैं ट्रैकिंग से क्या मिलता है, हाँ हड्डियों में पैरों में दर्द तो मिलता है, बट ये जो आंखों को सुकून मिलता है ना, ये आपको कभी नहीं मिल सकता। सो गाइज यहाँ इन वादियों पे आकर थोड़ा सा इतनी ऊंचाई पर मुझे एक पॉइंट नेट का मिला, और मैंने घर पर सबसे पहले कॉल करके बताया कि आई एम सेफ और मैं आफ्टरनून तक निकल जाऊँगी इस करेरी विलेज से, उसके बाद से नेट मिल जाएगा। लेकिन आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। तो चलो आगे चलते हैं, बाय बाय। चल रुका ना, इसी डंडे से भी पिटाई होगी, चल निकल तेरी ऐसी तैसी, चल 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 रुका ना तेरी, निकल अबे निकल, बहुत टाइम पड़ा है, उधर देख ले मौसम, देख ले बारिश होने वाली है। सो गाइस वो पहाड़ के उस पार जाना है अभी, उन जा रही नेहा। वो जा रहा है हार्दिक,
हवाबाजी नहीं करनी। देखो चोट लगी बहुत जोर से, सूज गया। गिर गए फिर से? नहीं, चल चल। सो गाइस, आपको बहुत ही ध्यान रखना है रास्तों का, कॉर्नर्स का, सांप, बिच्छू या फिर जहरीले कांटे कहीं पे भी हो सकते हैं। तो आंखें खोल के पैर रखना है। और आगे आप देख सकते हो, मतलब रास्ता ना इस तरीके का है कि साउंड चल रही है आपके साथ में वाटर की, लेक की। और आप अगर आंखों से भी नैगडा आइस से अगर आप अभी देखोगे तो आपको लग रहा है यहाँ पर रास्ता ही नहीं है। यस, अगर आप हम थोड़ी सी दूरी पर जब क्रॉस करके पहुंच जाते हैं लगता है तो रास्ता ही कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा, बट जैसे जैसे आप वन स्टेप आगे बढ़ते हो तो आपको रास्ता आगे से दिखाई देता है। और एक यही बहुत ही अच्छा ना, कितनी गाइस, अभी और बचा है 2 घंटे का रास्ता। सो यू कैन सी द व्यू, बादलों में हम लोग घिरे हुए हैं। तो रास्ता आप देख रहे होंगे कितना सा डरावना सा लग रहा है ना, कितना पतला पतला रास्ता लग रहा है। बड़े सेफली हमको एक एक स्टेप को इस पर देखकर चलना है। आगे हार्दिक गाइड के साथ चला गया है, वो हार्दिक है गाइड भैया के साथ। और यहाँ मेरी लेग का एक्चुअली मसल पुल हो गया था, जिस वजह से मैं बड़ी सेफली लेग रख रही थी नीचे, कि अगर मैंने कोई जल्दबाजी की और पेन अगर उठ गई बहुत तेज़ी वाली तो मैं नीचे धम 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 गिरूँगी। और यहाँ पर देखो कैसे मैं उतर रही हूँ बिल्कुल बुढ़ियों की तरह, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे जो ये नेचर की वाइब्स है ये खींच लाती है हमेशा ट्रैकिंग करने के लिए। तो ये देखो वाह, चलो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब भी आप पहाड़ों पे आओगे ना, आपको साथ आपके डॉग, कोई ना कोई डॉग आपके साथ को लेगा। और लास्ट टाइम भी टूरिंग के टाइम पे एक डॉग हमारे साथ हो लिया था, इस बार भी है। और ये आपको ये इतने लॉयल होते हैं ना, इनको ये होता है कि जो भी आया है उसको प्रॉपर हम सेफली पहुंचा दें एंड तक, और ये एंड तक जाएगा देखना। और ये हमसे स्पीड से आगे बढ़ जाता है बीच बीच में, फिर ये वेट करता है हमारी, फिर हम बढ़ते हैं, फिर ये वेट करता है हमारी। यू कैन सी वो गाइस, आप देख रहे हो हार्दिक बैठा है और वो साथ में वेट कर रहा है और ये हमारे साथ ही जाएगा ताकि हम सेफली क्लियर कर लें, पहुंच जाएं। चल बेटा, वो बैठ के ना फिर जाम हो जाते हैं पैर। चलो थोड़ा सा रह गया और 4 बज चुके हैं। यू कैन सी गाइस, 10:30 बजे ट्रैक शुरू किया था, 4 बज चुके हैं। Guys, Triun track is finished. 4 track is finished. 4:15 हुए हैं। और कैसी हालत है? तो फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत ज़्यादा हालत बहुत बुरी हो गई। चलो सो गाइस, हमने शुरू किया था 10:30 बजे, 4:15 पे फिनिश किया है ट्रैक। तो ध्यान रखिएगा,
बी केयरफुल गाइस, बहुत बुरी हालत हो गई है, आ गए हैं ट्रैक करके और अब तो ब्लॉक करने का भी दिल नहीं कर रहा, थक जाओ थकावट हो गई, पैर दर्द कर रहे बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे ने भी ट्रैक कर लिया कंप्लीट, खुद अपने आप चढ़ाई करी है और उतराई करी है, सो थैंक गॉड, थैंक्स टू ऑल नेचर यूनिवर्स जिसने हमें करेरी ट्रैक अगेन घुमाया और हमें ट्रैक कराया। तो आगे मिलते हैं, देखते हैं अभी कहाँ हम स्टे करते हैं आज, कल फिर निकलेंगे। रेस्टोरेंट और मैं और हार्दिक जब पिछली बार त्रियुग का ट्रैक के लिए आए थे तो हमने यहीं ब्रेकफास्ट किया था, लगेन हम यहीं आए हैं। ओके